जय बोलो देवादिदेव एकाधिकार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमस्तु। संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार बहुत संतुलित और सधावा होता है, जिनके संबंध सभी से प्रेमपूर्ण होते हैं और जिनके हृदय में सभी के प्रति स्नेह और वात्सल्य का भाव होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े उद्दंड प्रकृति के होते हैं, उनके हृदय में द्वेष की अग्नि प्रायः जलते रहती है, वे कभी किसी को माफ़ नहीं करते, एक दूसरे को प्रताड़ना और कष्ट देना ही उनका स्वभाव जैसा बन जाता है। ऐसे लोगों को सारी दुनिया में दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, उन्हें उपद्रवी या उद्दंड माना जाता है। संत कहते हैं हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम भी खुश रह सकें और हमारे संपर्क में रहने वाले लोग भी खुश रह सके। अपना व्यवहार इस तरीके से बनाओ जिससे स्व पर सबके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो, ऐसा कतई नहीं जिससे लोगों के मन को आघात पहुँचे। और ये सब तब संभव होगा जब हमारे हृदय में संवेदनशीलता होगी। जो मनुष्य संवेदनशील होता है उसकी संवेदना, उसकी संवेदनशीलता उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। लेकिन जो मनुष्य संवेदन शून्य होता है उस व्यक्ति को औरों से कोई लेना देना नहीं होता। आज बात मैं उसकी ही कर रहा हूँ। हमारे हृदय का भाव कैसा होना चाहिए और हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, इससे पहले कि मैं आज की चार बातें करूँ, आज के तीन सूत्र वाक्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहली बात लिखी है, बड़ी मौलिक है, शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को कुबेर की संपत्ति मिले तो भी किसी को त्रास देने वाला नहीं बनेगा। शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य को कुबेर की संपत्ति मिले तो भी किसी को त्रास देने वाला नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? अभी थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करूंगा। दूसरी बात, द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर यदि कोई दूसरा आदमी उसे कष्ट देवे तो भी पवित्र हृदय का व्यक्ति उसका बदला नहीं लेता। शब्दों पर ध्यान दें, द्वेष बुद्धि से प्रेरित होकर यदि कोई दूसरा आदमी उसे कष्ट देवे तो भी पवित्र हृदय का व्यक्ति उसे उसका बदला नहीं लेता। और तीसरा वाक्य है, दुख देने वाले व्यक्ति को शिक्षा अर्थात दंड देने का यही एक उत्तम उपाय है कि तुम उसके बदले में भलाई करो जिससे वह मन ही मन लज्जा के मारे मर जावे, यह उसकी बड़ी गहरी मार है। कुल मिलाकर तीनों वाक्यों का सार
चलिए चार कर लेता हूँ ताकि चार बातें करने की सीक्वेंस बन जाए। स्वयं एक बार दुखों को भोग कर मनुष्य को फिर कैसे कष्ट वैसे कष्ट दूसरों को न देने का ध्यान रखना चाहिए। जो कष्ट तुमने भोगे हैं वह कष्ट किसी दूसरे को न हो, इस बात का ध्यान रखना। आज की चार बातें हैं, द्वेष रखना, द्वेष बढ़ाना, द्वेष मिटाना और द्वेष मुक्त जीवन जीना। चार प्रकार की परिणतियां हैं। कुछ लोग हैं जो अपने हृदय में द्वेष भाव पाले रखते हैं, लोगों के प्रति उनके मन में बड़ा गहरा द्वेष जैसा होता है, और जब मन में द्वेष होता है किसी के भी प्रति तो उसके प्रति वह व्यक्ति कभी अच्छा नहीं सोच सकता, हमेशा उसके अहित के बारे में सोचेगा, उसके बुरे के बारे में सोचेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा, और जब भी मौका आएगा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को टटोल कर देखिए कि मेरे हृदय में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष तो नहीं है। पहले तो ये देखो कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं अपने हृदय में द्वेष भाव को पालता हूँ या द्वेष मुक्त जीवन जीता हूँ। मान लूँ यहाँ बैठे सब के सब द्वेष मुक्त हैं, मान लूँ नहीं मानूँ, क्या मानूँ, क्या है बोलो तो थोड़ा जोर से। द्वेष मन में है ना, द्वेष भाव रखते हैं सब, पाल के रखते हैं, और हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी के प्रति द्वेष भाव होगा, और जिसके प्रति द्वेष भाव होता है उसके प्रति भाव कैसा होता है, उसको फायदा हो जाए, उसकी छवि निखर जाए, उसका नाम हो जाए, क्या वो मर जाए, वो मिट जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, कुछ ऐसी भाव है ना? ये कौन से भाव है? ये दुर्भाव है। और जब ऐसा मन में देश भाव पनपता है तो व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अवसर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि हृदय में पलने वाला द्वेष मनुष्य के हृदय में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर देती है। द्वेष द्वेष से वैर होता है, द्वेष होता है तो विरोध होता है, विरोध होने से वैर होता है, और वैर होने के बाद प्रतिशोध व्यक्ति करता है, बदला लेने का भाव करता है। संत कहते हैं तुम किसी के साथ द्वेष रख करके क्या पाओगे, आग से तो आग बढ़ेगी बुझेगी थोड़ी। तुम्हारे साथ यदि किसी ने कोई बुरा बर्ताव किया भी है तो तुम उसके प्रति अच्छा व्यवहार करो, ये तुम्हारा धर्म है। द्वेष भाव मन में मत रखो, उसके लिए क्या करो, क्षमा करने के आदत डालो। और आप लोग देखिए अपने व्यवहार में दिन भर में कितनी बार सॉरी कहते हो, बोलो। कोई बड़ी गलती नहीं हो तो भी आप सॉरी करने में कोई संकोच नहीं करते, करते हो क्या? क्यों? कुछ बोल रहे हैं, कुछ गलती भी निकल गया मुख से, जैसे एहसास हो सॉरी माफ कीजिएगा, है ना? किसी के लिए भी सॉरी कह देते हो। तो मैं आपसे कहता हूँ अगर सॉरी कहने की आदत हमेशा हो तो कोई भी हो
तो सॉरी मांग कर सकते हैं कि नहीं, क्षमा मांग सकते हैं कि नहीं, बोलो। और जब हम क्षमा मांग सकते हैं तो क्षमा मांगने के पहले क्षमा करने की सामर्थ्य अपने हृदय में होनी चाहिए। एक सूत्र हृदय में अंकित करके जाइए कि मेरे प्रति यदि कोई व्यक्ति कैसा भी दुर्व्यवहार करे, मैं उसे क्षमा करने की पूरी कोशिश नहीं, क्षमा करूंगा। और ये बात मैं तुमसे तुम्हारे दुश्मनों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जिससे तुमने दुश्मनी बना रखी है। बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? ये बात मैं तुम्हारे दुश्मनों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात उनके लिए कह रहा हूं जिनसे तुमने दुश्मनी बना रखी है। अंतर क्या है? दुश्मन उसे समझा जाता है जो हमें किसी प्रकार की भौतिक क्षति पहुंचाए, है ना, जो नुकसान करे, तुम्हारी संपत्ति का नुकसान करे, तुम्हारे स्वास्थ्य का नुकसान करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करे, वो व्यक्ति तुम्हारे दुश्मन की श्रेणी में आ सकता है, जो कभी मारे पीटे, ठीक है, अभी उनको एक तरफ कर रहा हूं। लेकिन तुमने जिनसे अपनी दुश्मनी पाल रखी है, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने तुम्हारा धन का नुकसान किया हो, जिसने तुम्हें कोई शारीरिक प्रताड़ना दी हो, कुछ नहीं। तुम्हारे हृदय में जिनके प्रति भी द्वेष है, वे सब तुम्हारे अपने हैं, पर तुमने उन्हें अपना शत्रु बना रखा है और उनकी दुश्मनी का मूल क्या है? केवल तुम्हारे ईगो पर चोट। जो मेरे मनोनुरूप काम करता है वो मेरे लिए अच्छा, और जो मेरे मन के विरुद्ध काम किया मैं उसको डिसलाइक करता हूं, हो गया द्वेष। हाँ, हो गया द्वेष। मैं पूछता हूं, यहां द्वेष रखने की कोई जरूरत है, कोई औचित्य है? किन से द्वेष? पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, भाई का भाई से, देवरानी का जेठानी से, अड़ोसी का पड़ोसी से, उनसे द्वेष जिनके साथ तुम्हें रोज रहना है, है ना, जिनके बिना तुम्हारा काम भी नहीं चलना, फिर भी एक दूसरे को देखकर मुंह फलाए रखना, ये कहाँ की समझदारी है, बोलो, है? आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए, सब लोग, सभी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके देखिए कि मेरे मन में किनके किनके प्रति नफरत है, किसे देखकर मुझे चिढ़ आती है, आंखें बंद रखिए, किसे देखकर मुझे चिढ़ आती है, कौन कौन व्यक्ति मुझे नहीं सुहाता, देखिए, दो चार चेहरे नजर आ रहे होंगे, और उनमें भी जो सबसे ज्यादा है वो कौन है? आ गया चेहरा, उभर गया, उभर गया ना, आंखें खोल लीजिए। अब बताओ कौन कौन से चेहरे निकले, पास वाले कि दूर वाले? क्या हुआ? पास वाले ना। अब बताइए, ऐसा करके आप क्या पा रहे हो? तुम भी परेशान, वो भी परेशान। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इसकी जड़ क्या है? क्या है? ईगो। इस ईगो को गो कर दो, बोलो जाओ,
मेरा आपसी संबंधों में कोई ईगो नहीं, जो ईगो मेरे संबंध को बिगाड़ दे मैं उसको कहूंगा गो। थोड़ा सा अगर हम अपने मन को मोड़ने का अभ्यास बना ले तो फिर कोई समस्या रहेगी क्या? और कई बार ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है, एक दूसरे के साथ रह रहे, एक दूसरे से बन नहीं रही है, मन में द्वेष बनाए हैं, पर एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है। पति पत्नी में अनबन है, रोटी पत्नी की हाथ खाना, अब क्या करोगे? हाँ, वो भी बेमन से परोसेगी, तुम भी बेमन से खाओगे तो भोजन होगा कि जहर? हाँ बोलो, तो जहर कहाँ से आया? ये जहर तुम्हारे द्वेष का है। अगर एक दूसरे की बात को आपने समझ लिया और एक दूसरे को माफ करने की वृत्ति अपने हृदय में धार ली तो फिर ये समस्या बची क्या? हमारा धर्म हमें क्या बोलता है? क्षमा रखना या द्वेष पालना क्या सिखाता है? हाँ, क्षमा। हम लोग क्या करते हैं? करते क्या हो बोलो? धर्म और धर्म गुरु हमें ये सिखाते हैं कि कोई तुमसे कुछ भी कितना भी मिसबिहेव करे तुम उसके प्रति क्षमा भाव रखो। ये तो तुम सुनते हो, ये तुम सीखते हो, पर करते क्या हो बोलो? आज ये हिम्मत जुटा पाओगे कि मैं शिखर जी की वंदना करने के लिए आया हूँ, इतने सारे पाप काट के जा रहा हूँ तो मन का द्वेष भी मिटा करके जाऊंगा और सहज भाव से जीने का अभ्यास बनूं। ताली बजाने से द्वेष नहीं मिटेगा भैया, है ना? तुम ताली बजा दोगे तो तुम्हारा द्वेष मिट जाएगा। कैसे मिटेगा बोलो? ताल मिलाओ, आपस में तालमेल बनाओ, सारा द्वेष खत्म। इतना सा तो खेल है, ज्यादा कुछ थोड़ी करना है। मुझे द्वेष नहीं रखना, कम से कम अपनों से द्वेष नहीं रखना। गैरों में ढूंढोगे तो दो चार होगा, अपनों में ढूंढोगे तो हजार होंगे, है ना? तो मुझे द्वेष नहीं रखना और जिनके प्रति भी मेरे हृदय में द्वेष भाव है मैं अपनी ओर से क्षमा करके उनसे क्षमा मांगूंगा। कर सकते हो ऐसा आप लोग? बोलो जोर से तो बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? कर सकते हो? हाँ जवानों, हाँ हमने ये नहीं पूछा, हम तो ये पूछ रहे कर सकते हो कि नहीं। हाँ कर सकते हो? करोगे? क्या हो गया अब आवाज धीमी क्यों? करोगे? जम से बोलो महाराज, पक्के तौर पर करेंगे, तब ना मजा है। आग बुझाना है या आग बढ़ाना है? हाँ तो बुझाने के लिए क्या करोगे? उसमें पानी डालोगे कि पेट्रोल? तो बस कुछ नहीं करना, केवल हृदय में ऐसे क्षमा भाव को जगा लो, द्वेष मिट जाएगा। द्वेष मिटेगा, तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो तुम्हें कोई कुबेर की संपत्ति भी दे तो भी तुम किसी को त्रास देने की नहीं सोचोगे। मन को निर्मल बनाओ, ये जो गंदगी है इसे मिटाओ, साफ स्वच्छ जीवन जियो। तुम लोग कहोगे महाराज अभी तो बहुत साफ स्वच्छ है जब तक आपके सामने, और बाहर जाने के बाद फिर वही राम कहानी शुरू हो जाएगी। नहीं, अपने ईगो को हमने गौन कर दिया
तो कोई हमारे प्रति दुर्व्यवहार भी करेगा तो हमारा मन उसके लिए क्षमा करने को उत्साहित रहेगा। एक सत्पुरुष और एक दुर्जन में यही अंतर है। दुर्जन व्यक्ति चाहे जिसको कष्ट देता है और सत्पुरुष व्यक्ति स्वयं को कष्ट देने वाले का भी कष्ट हरने का भाव रखता है। समझ गए? तो हमें द्वेष नहीं रखना, द्वेष बढ़ाने की बात नहीं सोचना। तुम अगर किसी के प्रति अनबन है, मनमुटाव है, द्वेष का भाव है तो तुम क्या करोगे? उसका प्रतिवाद करोगे, उसके प्रति बुरा व्यवहार करोगे, बुरा सोचोगे, बुरी प्रवृत्तियां करोगे, तो फिर उससे क्या होगा? द्वेष से और द्वेष बढ़ेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, यही होता है ना। किसी ने हमसे टेढ़ा बोला, हम उससे टेढ़े हो गए, समझे नहीं। किसी ने कुछ कहा, हम उस मामले को ख़त्म करने की जगह और बढ़ा देते हैं। संत कहते हैं किसी से खटपट करो मत, खटपट हो जाए तो झटपट सुलझाओ। क्या कह रहा हूँ? खटपट करो मत, खटपट हो जाए तो झटपट सुलझाओ। पर तुम लोग सुलझाते नहीं, उल्टा सुलगाते हो। सुलझाना है कि सुलगाना है? ज्ञान तो बहुत है तुम लोग, सब पता है क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद वही करते हो जो नहीं करना। यहां सजग होने की जरूरत है। द्वेष रखना नहीं, द्वेष बढ़ाना नहीं, द्वेष मिटाना है। अपने हृदय को बड़ा बनाओ। किसी से द्वेष नहीं रखना, द्वेष बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं। अगर किसी के प्रति द्वेष मेरे मन में रहा या मेरे प्रति किसी के मन में द्वेष है तो जाके क्षमा मांगकर, क्षमा करके द्वेष को मिटा देना है। कर सकते हो? मन बनाइए, सोच को ऊंचा रखिए। कम से कम पहली शुरुआत जिनके बीच मुझे रहना है उनसे मेरे संबंध प्रेमपूर्ण हो। पर लोग हैं ऐसी द्वेषपूर्ण दुर्बुद्धि रखते हैं कि सामने वाले की दो आंख फोड़ने के लिए अपनी एक आंख फोड़ने को तैयार हो जाते। कहानी आप सबको पता है ना, सुनाऊंगा नहीं, है ना ये कहानी? हाँ, सामने वाले की दोनों फूट जाए, भले मेरी एक फूट जाए। देखिए कैसा होता है इसका परिणाम। दो सगे भाई, मैं दो प्रसंग सुना रहा हूं और दोनों मेरे संपर्कियों के साथ घटे हैं, एक द्वेष के और दूसरा प्रेम का। दो सगे भाई, दोनों में बंटवारा हुआ। छोटे भाई के शर्तों के अनुसार बंटवारा हुआ, जैसा जैसा कहा वैसा कर दिया, लेकिन छोटे भाई का मन नहीं भरा। उसके हृदय में बड़े भाई से ईर्ष्या और विद्वेष के भाव पनपने लगे। अलग होने के बाद भी बड़े भाई ने अपना कारोबार भी अलग कर लिया, उसका कारोबार अलग, इनका कारोबार अलग। इसका व्यापार बड़े भाई का पहले की अपेक्षा और ज्यादा चलने लगा। बड़े भाई के बढ़ते कारोबार को छोटा भाई सह नहीं सका। उसने सोचा, नहीं, इनको आगे बढ़ने से मुझे रोकना है। द्वेष बुद्धि हमेशा
सामने वाले की लाइन छोटी करने में शक्ति लगाती है, अपनी लाइन को लंबी करने का अभ्यास नहीं करती। उन्होंने क्या किया, प्राइस वार करना शुरू कर दिया। समझ गए, खरीद से कम में बेचना शुरू कर दिया। एक ही बात कि उसका पूरा उसकी ग्राहकी तोड़नी है। अब कुछ दिन तो चला, कितने दिन चलेगा? फायदा लोगों को हुआ। बड़े भाई में बहुत समझदारी थी, उसने देखा कि इसने इस तरह का काम कर दिया है, तो चीज़ों को पहले से ही समझते हुए धीरे से अपनी लाइन चेंज करना शुरू कर दी, और ये प्राइस वार कर करके लंबे नुकसान का धनी हो गया। अब मार्केट में एक बार रेट गिरा दिया, कब तक टिकेगा, घर से कब तक भरेगा, वो एकदम डाउन हो गया, फिर खड़ा नहीं हो पाया। बड़ा भाई जहाँ के तहाँ खड़ा रहा, और जब ये सब कुछ हुआ तो एक दिन बड़े भाई ने उससे कहा, भैया तुम मेरे छोटे भाई हो, व्यर्थ में तुमने ऐसा किया, तुमने जो कुछ भी कहा हमने वही किया, यदि तुम थोड़ी समझदारी का परिचय दिए होते तो आज हम तुम दोनों शिखर पर होते, पर चलो तुम्हारे मन में द्वेष रहा, तुमने ईर्ष्या का भाव रखा, आज मैं तुम्हें सहयोग देता हूँ, मैंने अपनी लाइन बदल ली, अगर तुम चाहो तो मेरे अनुभवों का फायदा उठा सकते हो और अपने व्यापार को फिर से ठीक करो, क्योंकि ये व्यापार हमारा नहीं, हमारे पिताजी का है। हम नहीं चाहते कि हमारे तुम्हारे बीच में द्वेष हो। ये बात मैं तुमसे पहले भी बोल सकता था, पर मुझे लगा कि अभी समय उचित नहीं है, मैं बोलूँगा तो तुम इसे मेरी कमजोरी या मेरा कोई स्वार्थ देखोगे, पर मुझे लगा कि अब ये सही समय है, और मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुमसे केवल इतना ही कहता हूँ, तुम मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, और तुम्हारे लिए मेरे हृदय में सदैव स्थान है। छोटा भाई सुना, आँखों से आंसू की धार झरझर गिरने लगी, और दोनों भाई एक दूसरे से गले लिपटकर खूब देर तक रोते रहे। जब तक द्वेष था विनाश था, देश मिटते ही निर्माण शुरू हो गया, वो फिर से मजबूत हो गया। दोनों प्रसंग एक ही घटना में घटते दिख रहे हैं। बड़े भाई का हृदय कितना ऊंचा, आप सोचो कोई तुम्हें नुकसान करे तो तुम माफ करने को तैयार हो, मैं तो इसको इस जन्म में तो माफ नहीं करूँगा, तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, जब तक माफ़ नहीं करोगे तो संसार में ही अटकोगे, संसार में अटकना है तो गांठ बांध के रखो, और मोक्ष जाना है तो गांठें खोल दो। माफ करने की वृत्ति हृदय में, तो द्वेष रखना, द्वेष बढ़ाना, द्वेष मिटाना, और द्वेष मुक्त जीवन जीना। किसी से भी द्वेष मत रखो, मन में द्वेष के भाव ही मत आने दो, द्वेष मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बनो तो हमारा जीवन धन्य होगा। जो कुछ करे उसे इस तरीके से करो कि वह उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, वो अपने जीवन को धन्य बना सके और अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। समय आप सबका पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय।